हेलो मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तैयार हो चुकी हूँ, अब बस ऑफिस के लिए ही निकल रही हूँ। खा पी के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। ना आज धूप सी निकल रही है, थोड़ी गर्मी सी लग रही है, तो बस जैकेट ऐसे ही हाथ में ले लेती हूँ। चलो तो फिर चलते हैं भाई, क्योंकि कल रात मैंने आपको बताया था मेरे भैया का बर्थडे है, तो मैं उसको फिर से एक बार विश कर देती हूँ, क्योंकि सुबह है। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो, खुश रहे, जो चाहता है वो मिले तुझे। बाकी मैं तो बहुत ही कर रही हूँ, मुझे याद आ रही है, मुझे लग रहा है जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बर्थडे मनाना चाहिए। खैर मैं लेट हो रही हूँ और मुझे भी निकलना भी चाहिए। सो फाइनली बैक टू पवेलियन। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऑफिस का दिन बहुत अच्छा था, काफ़ी हेक्टिक भी था। हाँ सही था, सैटरडे था, काम भी कम था, लेकिन फिर भी काम कम रहता है, लेकिन काम होता तो है ही, कम हो जाता है, मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है काम की, बट काम रहता है। लेकिन कुल मिला के सब कुछ अच्छा था, मज़ा आ गया। आज भूख लग रही है, सोच रही हूँ कुछ बना लिया जाए। यार मेरे भैया का बर्थडे था और मैं जा भी नहीं पाई, कुछ कर भी नहीं पाई, बहुत बुरा लग रहा है। खैर उसके लिए तो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, चलता है। विश तो कर ही दिया था, स्टेटस भी लगा दिया था उसके नाम का, बट कोई बात नहीं, होता है। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं? मम्मी से तो बात हो ही गई थी यार, मम्मी बड़ा मिस कर रही है। मम्मी बोल रही है आ जा मिलने के लिए, क्या कर सकते हैं यार, काम बहुत है। तो एक दोस्त भी वापस आ गई है, वो भी बोल रही है छुट्टी मिलेंगे, अब मिलते हैं उससे भी, देखते हैं कि होता है, जैसे जैसे जो जो होता रहेगा आपको बताती रहूँगी। सोमवार को तो मेरे दोस्त भी आने वाले हैं, बोल रहे थे कि सोमवार को आ जाएंगे, ये तो उन लोग नहीं है, मन में नहीं लग रहा मेरा। हालांकि जब आ जाते हैं तो हंगामा हो जाता है पूरे में, लेकिन कोई बात नहीं। वो बना है, मैंने इतने टेस्टी छोले चावल बनाए थे ना, इतने टेस्टी छोले चावल, मतलब मैंने खा लिए, और लेकिन मैं आपको थोड़े से दिखा देती हूँ मैंने कैसे बनाए थे अब तुम, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं खा पी के एकदम फिट हो गए। इतने टेस्टी बनाए थे ना, आप लोग के मुंह में भी पानी आ जाएगा छोले देख के। देखो सो यम्मी यार, सो यम्मी। देखा आप सबने कितने यम्मी छोले थे। चलो आपको एक चटपटी सी न्यूज बताती हूँ। आपको पता है कैटरीना कैफ की शादी ना जयपुर में होने वाली है, मजे करने वाली है यार। अब तो उन दोनों की फाइनली 9 तारीख को शादी हो जाएगी, वो लोग शादी के बंधन में बन जाएंगे, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मतलब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है यार एक साथ। वैसे आप लोग भी अपनी कॉमेंट करके मुझे राय बताना कि आप लोग की क्या राय है, कि कैटरीना कैफ की वजह साथ में अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, या कौन एक्साइटेड है। पता है शादी उन दोनों की हो रही है, लेकिन डर मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यार सलमान खान अब उन दोनों का काम ना छीन लो, उन लोगों का करियर ना बर्बाद कर दे, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। हालांकि सलमान का एक इवेंट होने वाला है सऊदी में 10 तारीख को, और उसकी शादी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी, जैसे कि आप सब जानते हैं, उनकी शादी 9 तारीख को है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान अटेंड नहीं कर पाएगा वो शादी, और कैटरीना अटेंड नहीं कर पाएगी सलमान का वो इवेंट, जिस इवेंट में हमेशा जाती थी कैटरीना। उस इवेंट का नाम है दी बैंग, मतलब दबंग के उससे मूवी के नाम से बनाया है, द और हाइफन बैंग। तो उसमें मैंने बहुत सारे स्टार की फ़ोटोज़ देखी थी जो वो पैम्पलेट बन के आया है, लेकिन उसमें कैटरीना कैफ का ना नाम था और ना ही उस पोस्टर में कैटरीना कैफ थी। तो कुल मिला के मिस्टर सलमान खान ने अपनी बदला चालू कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कुल मिला के। लेकिन हाँ मैं बहुत खुश हूँ वो लोग शादी कर रहे हैं यार, प्यार करते हैं, शादी कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। और कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जहाँ शादी कर रहे हैं वो राजस्थान में है होटल, और जिसका नाम है 6 Sense Fort, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पता है मैं ना आज सर्च कर रही थी, मैं गूगल पे देख रही थी उसकी पिक्स वगैरह, इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना वो रिजॉर्ट, इतना ज़्यादा लाइक कह सकते हो आप किसी का ड्रीम घर जैसा लगता है वो, जो कि बरवारा में है, सेवई माधोपुर, राजस्थान में ही है कुल मिला के, है ना, ये तो जगह का नाम है। और मैं सर्च कर रही थी, पता है वहाँ का एक स्वीट जो है ना करीबन 35-40 लाख का है, और अगर और स्पेशल स्वीट आपको बुक करना है तो वो 70-80 लाख का है एक दिन का स्टे। सोचिए कितना महंगा है यार, मैं यार पूरा पढ़ रही थी यार उसकी डिटेल वगैरह, अच्छा लगा मुझे पढ़ के, मैं खुश हूँ।
फाइनली कहते हैं अभी शादी होने वाली है। हम सबको बहुत इंतजार था कि सभी शादी करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, कैटरीना कैफ कब शादी करेंगे लोग, उसकी भी शादी होने वाली है। अब खड़े खड़े बात करते करते थक गई थी इसलिए बैठ गई। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने जाके, आपको पता है लोगों को बॉलीवुड मसाला बहुत पसंद रहता है, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स ने जाके जांच और पड़ताल करी इस बारे में कि क्या चल रहा है, कि सलमान को इनविटेशन कार्ड मिला है या नहीं मिला है। इसी चीज़ को देखते हुए उन लोगों ने जाँच पड़ताल शुरू करी। तो जब उन्होंने जाँच पड़ताल शुरू करी तो एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने अलवीरा, सलमान की बहन है अलवीरा अग्निहोत्री और उसकी जो दूसरी बहन है अर्पिता खान, तो इन लोगों से पूछा तो इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम लोगों को इनविटेशन कार्ड नहीं आया। एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप कैटरीना की शादी में जाएंगी, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को इनविटेशन ही नहीं आया है। तो मुझे वैसे ये सब चीज़ नहीं समझ में आने कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई साहब इन दोनों में कितने खर्चे हैं, ये दोनों शादी कर रहे हैं। मतलब यार आप लोग जानते हो सलमान खान तो सलमान खान ही है, आप जो लोग जानते हो कि बॉलीवुड में उसका कितना नाम चलता है, बॉलीवुड में लोग उसको कितना मानते हैं पूछते हैं, तो बस मुझे इसी चीज़ का डर है। और अभी अभी कैटरीना कैफ की बहन ने अपना करियर शुरू किया है, अभी अभी वो आना शुरू की है, छोटा छोटा काम उसने करना शुरू करा है, तो इसके चलते इस सब चीज़ के होते हुए सभी पर असर पड़ेगा, चाहे वो कैटरीना हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे वो विक्की कौशल हो, और चाहे उससे रिलेटेड कोई भी उसका सगा संबंधी जो कि बॉलीवुड में काम करता है। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि आगे आगे क्या होता है। और आपको मैं ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश में इसके बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहे हैं, और हालांकि अब तो दिल्ली में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। दुनिया का 5वां ओमिक्रॉन पेशेंट जो है वो दिल्ली में मिला है, दिल्ली में, और पहला पेशेंट मतलब, और वैसे देश अगर पूरे वर्ल्ड का माना जाए तो 5वां पेशेंट है और पॉजिटिव है। तो भाई फिर से रिक्वेस्ट करूँगी सभी सावधान रहें, सतर्क रहें और मास्क लगाना ना भूलें। और मास्क लगाने के लिए लोग बहुत जागरूक कर रहे हैं, लोग में जैसे कि सरकार और हमारे जो कॉमन फ्रेंड वगैरह या फैमिली वगैरह, तो बहुत सभी लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी जा रही है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें, मास्क बिल्कुल भी ना उतारें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा मास्क लगा के रखती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि तुम मास्क कुछ ज़्यादा ही लगाती हो, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं मास्क क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली और नोएडा में रहती हूँ, तो मैं जब अपनी फैमिली से मिलने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप लोगों की वजह से आपकी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसीलिए आप अपनी सेफ्टी रखें, मास्क बिल्कुल ना उतारें, बाहर तो बिल्कुल अवॉइड ही करें, खाते वक्त उतारना मजबूरी होती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उतारें, और सावधानी से उतारना भी, और सावधानी रखें अपने साथ, अपने आप को साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और जैसा कि हम लोग सुन ही रहे हैं आजकल न्यूज़ में, तो WHO के भी यही आसार है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो गाइज बी अवेयर, बी अलर्ट प्लीज़। कल सुबह मुझे मेरी 9 वाली शिफ्ट है और मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। क्या यार सो जाती हूँ वरना बहुत नींद आएगी, और थोड़ा बहुत लैपटॉप पे काम वगैरह भी करना है। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की मेरी ये चटपटी न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर तो करना भूलें ही ना। ठीक है, बाय, गुड नाइट।